बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बारिश का नया सिस्टम सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है, लेकिन बारिश के मौजूदा सिस्टम में शिद्दत आज रात से आएगी। मज़ीद आपको बताते चले नाज़रीन की बारिश के मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर इस वक्त बालाई सिंध और मगरबी सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने का अमल जारी हो चुका है। शायद ही आपको याद होगा कि हमने आप सबको पहले ही आगाह कर दिया था कि 17 से 18 मई के दौरान बारिश का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के नए सिस्टम के असरात सिंध में नजर आना शुरू हो चुके हैं। बारिश के नए सिस्टम की वजह से नाज़रीन आज शाम रात से सुबह सिंध के ज्यादातर इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे और कल से भी बारिश के मजीद इम्कान बढ़ जाएंगे। बात करें अगर सुबह सिंध के बड़े शहर कराची के मौसम की, तो इस वक्त कराची शहर के अक्सर बेशतर इलाकों में अच्छी समंदरी हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार भी मजीद बढ़ने की तवक्को है, और कुछ बादल आज के दौरान कराची शहर में भी दाखिल हो सकते हैं, जिनकी वजह से बारिश के चंद फीसद इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। फिलहाल समंदरी हवाओं की वजह से कराची का मौसम काफी हद तक खुशगवार हो चुका है, जो कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही खुशगवार रहने की तवक्को है और आने वाले दिनों में बारिश के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। वल्लाहु आलम। मजीद इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इन्फो।